वहीं वाड्रफ नगर से बड़ी खबर आपको बता दें, लापता बच्चे की नदी किनारे लाश मिली है। बच्चे के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। बच्चे का सिर और धड़ अलग अलग स्थान पर मिला है। फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची है। बीते 5 दिन से ये 10 साल का बच्चा लापता था और अब जाकर उसका शव मिला है। वाड्रफ नगर विकासखंड के तोरफा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। देवेश दुबे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तो देवेश, ये मामला जो है सुलझा ही नहीं है, बहुत ही कंफ्यूजिंग एंगल निकल कर सामने आ रहा है। बच्चा आखिर 10 दिनों तक कहां था और अब जाकर उसका शव भी मिला है, तो वो भी सिर और धड़ अलग अलग। हैरान कर देने वाली खबर है। क्या जानकारी है? पुलिस प्रशासन से भी आपने बात की होगी, क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, छाया बताना चाहूंगा, ये बलंगी चौकी के तोरफा गांव का मामला है। यहाँ पे बीते 2 अक्टूबर को एक बच्चा घर के सामने से संदेहास्पद परिस्थितियों में गायब हुआ था, और गायब होने के बाद पुलिस और गांव की लोग जो है टोली बना करके जंगलों में इसकी तलाश कर रहे थे। कल देर रात इस बच्चे का शव नदी के किनारे पड़ा हुआ मिला, जहाँ पे इसका सिर अलग था और धड़ अलग था। प्रथम दृष्टया परिजन जो है गला रेत करके हत्या करने की बात कर रहे हैं, और परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पे आशंका जाहिर की है कि आपसी रंजिश की वजह से इस बच्चे की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस जो है जांच में जुटी हुई है। फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम हर एक पहलू को खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, कुछ भी इस मामले में कह पाना उचित नहीं होगा। अब जांच के बाद देखना होगा कि आखिर किन लोगों के ऊपर दोष सिद्ध होता है और कितने लोग पकड़े जाते हैं इसमें। जी छाया जी देवेश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आप नजर बनाकर रखिएगा।